हेलो स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ़ द सर्कम्फ्रेंसेस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्मिंग अ रिंग आर 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द वीट ऑफ द रिंग सो लेट्स सी गिवन इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है सरकमफ्रेंसेस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले सर्कमफ्रेंस सर्कमेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू कितना एटी एट सेंटीमीटर एंड सर्कम फरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स सेंटीमीटर है ना तो देखिए जो सर्कम ऑफ सेकेंड सर्कल वो छोटा है तो इन साइड फर्स्ट सर्कल होगा सो सी लेट्सूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम की हेल्प की जरूरत होगी सो लेट्स ड्रॉ दी डायग्राम सो इस तरीके से हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे जिनका सेंटर कॉमन सेंटर ओ है और इसके रेडियस को हमने क्या कह दिया आर वन और आउटर सर्कल के रेडियस को हमने क्या कह दिया आर टू तो ये जो रिंग दिख रही है हमें इसकी विट्थ फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी तो यहां पे हमने कर लिया लेट रेडियस ऑफ तो देखिए एक्चुअली जो सेकंड सर्कल का मतलब ये हो गया कि ये होगा सेकंड सर्कल और ये फर्स्ट सर्कल हमने मान लिया है ना तो उसके बेसिस पे अब हमने यहां पर रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल रेडियस रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल सेकंड सर्कल इज़ इक्वल टू हमने मान लिया कितना आर वन सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल फर्स्ट सर्कल को हमने कितना मान लिया है आर टू तो अकॉर्डिंग टू दिस चूंकि हमने क्या करना है विथ ऑफ द रिंग फाइंड आउट करना है तो हमें जो फर्स्ट सर्कल है उसमें से सेकेंड सर्कल सॉरी यस फर्स्ट सर्कल की सर्कम में से सेकेंड सर्कल की जो सर्कम है है सब्ट्रैक्ट करने होंगे तो यहाँ यहां लिखेंगे विथ ऑफ रिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर्कम फ्रेंस सर्कम फ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल फर्स्ट सर्कल माइनस सर्कम फ्रेंस

तो 22 से 22 कैंसिल हो गया तो इम्प्लाइज दैट 7 बाई टू दैट मींस 3.5 मीटर तो ये हमें क्या, क्या मिल गया विड्स ऑफ द रिंग मिल गया तो यहां पर फाइनली हम इस बात को लिख देंगे सो विथ ऑफ रिंग इज इक्वल टू 3.5 मीटर सो दिस इज फाइनल आंसर आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस सॉल्यूशन थैंक यू